हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में कुछ खास होने वाला है। जैसे कि आपको पता है फाइनल कट प्रो, एप्पल का जो फाइनल कट प्रो जो सॉफ्टवेयर है, काफ़ी मतलब बेस्ट कहला जाता है। प्रोफेशनल लोग यूज़ करते हैं, मतलब वीडियो एडिटिंग के लिए, मूवी के लिए काफ़ी अच्छा ये मतलब बेस्ट वीडियो एडिटिंग के लिए काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर कहला जाता है अब तक। तो अगर आप ये सीखना चाहते हैं, मतलब प्रो लेवल का एडिटिंग करना चाहते हैं, तो आपको लगता है कि ये सॉफ्टवेयर मेरे लिए नहीं है, मतलब मैं सीख नहीं पाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। काफ़ी ईजी है, मतलब बेसिक्स से लेके मैं सब मैं ये वीडियो में आज तो ये वीडियो आपके लिए मैं खास बनाया है। तो इस वीडियो में आपको पूरा बेसिक से लेके यूजर इंटरफेस से लेके मैं पूरा मतलब बेसिक मतलब एडिटिंग के लिए आपको क्या क्या मतलब वीडियो एडिटिंग में क्या क्या रहता है वो सिखाऊंगा। कट ट्रिमिंग, फिर ऑडियो मिक्सिंग वगैरह सब मैं सिखाऊंगा कंप्लीट। तो इस वीडियो में वही मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा कैसे करते हैं इस सॉफ्टवेयर में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और VFX रिलेटेड वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। और सो स्टार्ट करते हैं। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ फाइनल कट प्रो 10.5 समथिंग। तो दोस्तों ये जो सॉफ्टवेयर है मैं पिछले लास्ट एक साल से यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा है। मतलब इतना फास्ट है, मतलब मैं पहले मैं आफ्टर इफेक्ट्स और प्रीमियर में ही अपना काम करता था, मतलब एडिटिंग कंपोजिटिंग का। जब से मैंने ये फाइनल कट प्रो यूज़ करना चालू कर दिया तो काफ़ी अच्छा लगा, मतलब फास्ट है। देख सकते हैं मेरा ये जो वर्जन है, ये फाइनल कट प्रो एक्स 10.4.4 है मेरा वर्जन, ठीक है। तो ये यूज़ कर रहा हूँ। तो जब आप स्टार्ट करेंगे ऐसा एक विंडो खुलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना, फाइल में जाके न्यू में जाके एक लाइब्रेरी बनाना है, मतलब एक बार लाइब्रेरी बना दीजिए उसके अंदर, फिर आप कोई भी प्रोजेक्ट बना। जैसे कि मैं ये देख सकते हैं मेरे काफ़ी लाइब्रेरीज बन गई, मतलब इसमें सपोज ये मैं एक डेमो लिख देता हूँ, ठीक है। डेमो में एंटर टैप कीजिए, फिर देख सकते हैं ये बन गया आपका। ये आप देख सकते हैं ये लाइब्रेरी प्रॉपर्टीज इसमें आ गया, इसमें कुछ चेंजेस नहीं करना है फिलहाल, देख सकते हैं सब आ गया, साइज भी दिखा देता है। यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट में आपको सिंपली क्लिक करना। तो पहले मैं बताता हूँ यूज़र इंटरफेस का, ठीक है। तो यूज़र इंटरफेस के बारे में बात करिए तो ये देख सकते हैं ये व्यूअर जैसा हो गया। तो यहाँ पे पूरा अपना जो मेन व्यू है, मतलब वीडियोस की जो अपन एडिट कर रहे हैं फुटेज, उनका ये जो व्यू है यहाँ पर दिखेगा। और यहाँ पर आपको प्रेसेट्स के वगैरह, जैसे कि यहाँ पे आप जब इंपोर्ट करेंगे तो इंपोर्ट के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है, या फिर आप जो इसका शॉर्टकट की है जो कमांड आई प्रेस करेंगे तो ये खुल जाता है, ठीक है। या फिर सिंपली यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। और ये जो है ये आपको रेंडरिंग का लिए बैकग्राउंड टास्क जो होता है उसको फिलहाल इग्नोर कर दीजिए फिलहाल। और ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको टेक्स्ट का जो ये मिलेगा, टेक्स्ट के फिर म्यूजिक्स वगैरह जो ऐड करेंगे, फिर ये जो फुटेज के लिए आप जो मीडिया इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे आपको शो करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। ये हो गया। और यहाँ पे आपको इफ़ेक्ट्स के जो पैनल है वो दिखेंगे आपको। तो और यहाँ पे फिर इफ़ेक्ट्स के जो पैनल, यहाँ पे इफ़ेक्ट्स सारे इफ़ेक्ट्स दिख जाएंगे, फिर ट्रांजिशंस वगैरह यहाँ पे आपको मिल जाएंगे जो भी आपके पास है। मेरे पास तो काफ़ी मतलब थर्ड पार्टी प्लगइन्स और इफ़ेक्ट्स वगैरह मतलब बहुत कुछ इंस्टॉल करके रखा मैंने। तो ये सब तो फिलहाल डिफ़ॉल्ट पे ध्यान दीजिए फिलहाल, ठीक है। तो ठीक है, तो ये हो गया अभी सब। अब मैं दिखाता हूँ कैसे इंपोर्ट होता है। तो यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे आप, यहाँ पे एक लोकेशन खुल जाएगा, इसमें आपको पाथ देना, मतलब आपका फुटेज किधर है, ठीक है। तो यहाँ से मैं जाऊँगा सिंपली, यहाँ पे जाके सिंपली मैं मूवीज़ पे टैप क्लिक करूँगा और यहाँ पे जाके मैं अपना पाथ सेलेक्ट कर लूँगा, जिधर भी मेरा पाथ है मतलब फुटेज का, ठीक है। ये रहा मेरा लोकेशन। यहाँ पे जाके मैं यहाँ से सिंपली क्लिक करूँगा रॉ फुटेजेस में, अपना एक फुटेज ले लूँगा, जैसे कि मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ आउटरो करके, ठीक है, एंड स्क्रीन का मैंने बनाता है। तो यहाँ पे क्लिक करके सिंपली कुछ नहीं, यहाँ पे चेंजेस करना है, सिंपली आप इंपोर्ट कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका फुटेज इंपोर्ट हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे बैकग्राउंड टास्क में उसका जो एनालिसिस वगैरह में तो ऑटोमेटिक होते रहेगा, उसको कुछ करना नहीं आपको, वैसे ही रहने देना है, ठीक है। तो ये फुटेज आपका ऐड हो गया। आप चाहे तो यहाँ से अगर आपको मतलब एक पोर्शन चाहिए, मतलब कुछ ही पोर्शन चाहिए आपको, जहाँ तक पोर्शन चाहिए वो भी सिलेक्ट करके आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर पूरा अगर चाहिए तो आप डायरेक्ट जाएगा। तो ठीक है, ये सब तो इंपोर्ट हो गया, ठीक है। फिलहाल आपको कुछ नहीं करना है, पहले आपको प्रोजेक्ट बनाना, मतलब प्रोजेक्ट आपका बना नहीं है, बस फुटेज इंपोर्ट हुआ। तो यहाँ पे आएगा, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट का जो नाम है दे देना, सपोज मैं डेमो देता हूँ। यहाँ पे आपका रेजोल्यूशन वगैरह सेट करना है, मतलब जो भी चाहिए, अगर आपको कस्टम चाहिए तो कस्टम भी सेट कर सकते हैं। फिर आप यहाँ मैनुअली सेट कर सकते हैं रेजोल्यूशन, फिर FPS जो रेट है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर मैं सिंपली एक फुल HD ले लेता हूँ YouTube वीडियोस के लिए, ठीक है। तो यहाँ से मैं सपोज इसका 25 FPS ले लेता हूँ, मतलब फ्रेम, ठीक है, 25 पर सेकेंड, ठीक है। ये सब हो गया सेट, अभी सिंपली आप ओके क्लिक कर दीजिए, ठीक है। ये हो गया आपका प्रोजेक्ट बन गया, देख सकते हैं आप आपका प्रोजेक्ट दिखा रहा,
फिलहाल तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये आपका ये फुटेज जो मैंने अभी तो इंपोर्ट किया था, इसको मैं सिंपली यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। और अगर आपको यहाँ से इंपोर्ट नहीं करना तो आप सिंपली यहाँ से भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, जैसे कि रॉ फुटेज में जाके यहाँ से आप इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे अपने फाइनल कट प्रो सॉफ्टवेयर में। ऐसे थोड़ा 2-3 सेकंड रुकना पड़ेगा, फिर डायरेक्ट आप यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो भी वो इंपोर्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं जो है यही प्रोसेस यूज़ करता हूँ, जो ड्रैग एंड ड्रॉप है मैंने अभी जो किया, ये मेरे को फास्ट लगता है, क्योंकि वहाँ पर जाके बात देना, लोकेशन सेलेक्ट करना, वो काफ़ी टाइम लगता है। तो स्टार्टिंग में आप इंपोर्ट से ही कीजिए, काफ़ी अच्छा रहेगा। तो देख सकते हैं, तो आपने देख लिया कि यूज़र इंटरफेस कैसा है, फिर कैसे इंपोर्ट करते हैं सीख लिया। चलिए अभी बात करते हैं, अभी चलते हैं दूसरे प्रोसेस में, मतलब दूसरे स्टेप में, कैसे इसके जो कट्स स्ट्रीम्स वगैरह क्या करते हैं, मतलब कट, फिर जो ये मतलब ये फुटेज को काटना, फिर यहाँ से दूसरे जगह पर प्लेस करना है, कैसे करते हैं, चलो उसके बारे में सीखते हैं अभी। चलिए देखते हैं अभी, जैसे कि देख सकते हैं ये जो फुटेज मैंने लोड कर लिया, इसमें आप देख सकते हैं नॉर्मल मतलब एक फुटेज है, मतलब मैंने शूट किया था, इसमें देख सकते हैं ये जो सिंपली फुटेज है, इसमें अगर आपको सपोज इतना नहीं चाहिए, मतलब स्टार्टिंग में देख सकते हैं मैं बात नहीं कर रहा, मतलब नॉर्मल है, तो इतना तो आपको नहीं चाहिए पोर्शन, ठीक है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, सिंपली यहाँ पर जाके आप यहाँ से ऐसे भी मतलब डायरेक्ट इसको यहाँ पे जो ये एरो आएगा, दो एरो, फिर इसको आप ऐसे करेंगे तो वो कट हो जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हो उतना पोर्शन वो कट होगा। अगर आप वैसा नहीं चाहते, मतलब डायरेक्ट कट करना चाहते, ब्लेड टूल जैसे यहाँ पे प्रेस क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी टूल्स है, सिलेक्ट ट्रिम, पोजिशन, रेंज सिलेक्शन, ब्लेड, तो ब्लेड्स का भी कर सकते हैं, जैसे इसका शॉर्टकट यहाँ से अगर आपको क्लिक करना है, यहाँ पे यहाँ से क्लिक कर सकते, देख सकते ब्लेड आ गया, रेजर, या फिर आपको अगर सिंपली सिलेक्ट करना मतलब डिलीट करना तो इसका शॉर्टकट है कमांड भी क्लिक करेंगे तो ये क्या ऑटोमेटिक काट देता है, मतलब देख सकते हैं कट हो गया। अगर इसको अगर आप ऊपर लेंगे तो ये ओवरले भी होता है, या फिर अगर आपको इसको डिलीट करना है यहाँ से तो ये आप डिलीट क्लिक कीजिए, यहाँ पे क्लिक करके डिलीट कीजिए, ठीक है। तो ये जो है ये ऊपर जो देख रहे हैं वाला, ये इसको प्लेहेड बोलते हैं, तो प्लेहेड मतलब ये प्लेहेड जहाँ पे रहेगा वो फुटेज आपको शो करेगा, मतलब वही पोर्शन का दिखाएंगे, ठीक है। तो ये प्लेहेड आपको मतलब ये काफ़ी यूज़ आएगा, मतलब ये मेन है, देख सकते हैं जैसे कि। तो ये आपने सीख लिया कैसे कट करते हैं। तो और एक तरीका मतलब जैसे कि अगर आपको सिंपली यहाँ से लेके इत तक चाहिए बस पोर्शन, मतलब ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको ये जो है इसको जूम का मैं ऑप्शन बता, जैसे कि मैंने अभी जूम किया, मैंने ये ट्रैक पैड से किया है, देख सकते हैं ये ट्रैक पैड से मैंने अभी जूम किया है। और अगर आपको डायरेक्ट मतलब कीबोर्ड से करना है तो आपको इसका कमांड शॉर्टकट है कमांड प्लस, ठीक है, कमांड प्लस प्लस माइनस, प्लस से बढ़ेगा और माइनस से जूम आउट, मतलब ठीक है, तो ऐसा है। तो ये आप कर सकते हैं या फिर ट्रैक पैड से ईजी है, ठीक है, जो भी आपको सूटेबल लगे वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, अभी मैं इसमें कट का बता दूँ, जैसे कि सपोज़ मेरे को यहाँ से काटना है तो यहाँ पे मैं देख सकती यहाँ पे जो ये दिख रहा नीचे, ये ऑडियो वेव बोलते हैं इसको, ये जो ऑडियो वेव्स देख सकते हैं इसका, अगर आपको ये जो ऑडियो दिख रहा है इसके ऑडियो को अगर आप समझ रहे होंगे कि यहाँ से तो पूरा मतलब प्लेन है, मतलब लाइन नहीं कुछ भी, और यहाँ से जो ऑडियो का जो वेव फॉर्म है वो बढ़ रहा, मतलब यहाँ से अपना वीडियो चलूँगा, यहाँ पे भी देख सकते हैं आप व्यूअर्स पे, समझ में आ रहा है व्यूअर्स में कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो सपोज़ मेरे को यहाँ से लेना, तो यहाँ पे जाके सिंपली आप कमांड बी क्लिक करेंगे तो कट हो जाएगा, या फिर बी खाली बी प्रेस करेंगे तो बी पे आपको यहाँ पे एक ब्लेड रेजर टूल मिलेगा, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और वो कट हो गया। फिर से वी प्रेस का वी सिलेक्ट टूल होता है, जैसे कि आप अभी यहाँ पे अगर आपको डिलीट करना है तो यहाँ पे क्लिक कर वो कट ही होता रहेगा, जितना कट आप कट कर रहे तो कट होते रहेगा, ठीक है। तो अगर आपको एक कट ही चाहिए और हो गया कट, ठीक है, अभी बस आपको यहाँ पे कट क्लिक करना है, फिर आपको वी प्रेस करना है सिलेक्ट टूल, या फिर यहाँ से जाके सिलेक्ट टूल क्लिक कीजिए, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट टूल हो गया, फिर इसको सिंपली डिलीट कर दीजिए तो वो आपका डिलीट हो जाएगा उतना पोर्शन, ठीक है। देख सकते हैं अभी स्टार्ट हो गया वीडियो, तो ये एक प्रोसेस है कट करने का, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, अभी फिलहाल बात करते हैं इसके जो ऑडियो की, मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वीडियो में, जैसे आप यूट्यूब वीडियोज डालते हैं इसमें ऑडियो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि सपोज़ ये जो ऑडियो चल रहा है, ये जो इसके साथ जो ओरिजिनल ऑडियो मतलब देख सकते हैं चल रहा, ठीक है। तो इसको अगर आपके बैकग्राउंड में म्यूज़िक डालना है सपोज़, ठीक है, तो इसका मैं दिखा रहा था, जैसे कि यहाँ से मैं फिर से जाऊँगा मीडिया में, इंपोर्ट मीडिया में जाऊंगा, या फिर यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। यहाँ पे जाके देख सकते हैं ये जो मैंने ये NCS का म्यूजिक जो भी है, NCS का नॉन कॉपीराइट, तो उसको मैंने इंपोर्ट करूँगा, ये जो म्यूज़िक है मैंने, ये जो मतलब बैकग्राउंड म्यूज़िक, इसको इंपोर्ट करूँगा, ठीक है। देख सकते हैं इंपोर्ट हो गया, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करके यहाँ से डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, ठीक है। देख सकते हैं तो ये आपका ऑडियो ये नीचे आ जाएगा, मतलब ये जो नीचे के जो टाइमलाइन है टाइम बार, तो ये आपकी ऑडियो के नीचे आ जाएगा। और इसको अगर आपको आवाज़ कम करना, मतलब धीमे में रखना है, इतना तो मतलब फुल तो आवाज़ रखेंगे नहीं, क्योंकि फिर इसके जो आपको ओरिजिनल जो वॉइस है मतलब इसमें जो आप बात करो वो सुनाई नहीं देगा, तो उसके लिए आपको ये जो सिलेक्ट करना है, पहले ये जो ऑडियो इसको जो लेयर इसको सिलेक्ट करके रखना है,
फिर यहाँ से आपको सिंपली यहाँ से कम कर देना, मतलब जितना आपको चाहिए देख सकते हैं यहाँ के जो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो ये कम होते रह रहा है, मतलब जितना मैं कम करूँगा वो ऑडियो जो वेव लेंथ है मतलब वेव फॉर्म वो कम हो रहा है बढ़ रहा है जितना आप यहाँ से कर रहे चेंज, ठीक। तो इसको मैं फिलहाल इतना रख देता हूँ, -20 या फिर 22 रख सकते हैं जैसा आपको सूटेबल लगे वीडियो के फुटेज के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो ये हो गया, और अगर आपको ये जो मतलब आपका जो ये है मतलब ये जो फुटेज आप कोई भी फुटेज मतलब इंपोर्ट करेंगे तो उसके साथ जो ये ऑडियो अटैच रहता है मतलब इसको अगर आपको ऑडियो को मतलब रिमूव करना है मतलब ऑडियो नहीं चाहिए मतलब ऑडियो को अलग रखना सेपरेट, तो इसका एक शॉर्टकट है, इसका शॉर्टकट तो मैं बाद में बताता हूँ, पहले आप देख लीजिए यहाँ से सिलेक्ट मतलब बिना शॉर्टकट कैसे करते हैं, यहाँ पर लेफ्ट माउस क्लिक सॉरी राइट माउस क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा डिटैच ऑडियो, फिर डिटैच ऑडियो या फिर एक्सपैंड ऑडियो, तो फिलहाल डिटैच ऑडियो बेस्ट है, इसका आप क्लिक करेंगे तो ये ऑडियो आप देख सकते हैं ये डिटैच हो जाएंगे, देख सकते हैं इसका जो ऑडियो ये आ गया, ठीक है। अगर आपको शॉर्टकट देखना तो ये देख सकते हैं शॉर्टकट ये है शिफ्ट कमांड सॉरी कंट्रोल शिफ्ट यस, तो इसका आप यहाँ पे क्लिक करें मतलब जो फुटेज का आपको ऑडियो मतलब अलग करना है डिटैच करना है तो इसका शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट एस, ठीक है। तो देख सकते हैं ये ऑडियो आपका अलग हो गया है। अगर आपको फिर ये ऑडियो नहीं चाहिए या फिर डिलीट करना है या फिर मूव भी करना है मूव भी कर सकते हैं या फिर डिलीट करना है तो सिंपली डिलीट कीजिए और वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ जो ये बैकग्राउंड म्यूजिक बजेंगे मतलब जो आप बात कर रहे हो उसका ऑडियो डिलीट होगा, देख सकते हैं अभी मतलब ये जो है यही ऑडियो यूज़ होगा, ठीक है। तो जो दिखा रहा है आपके जो टाइम लाइन मतलब ये जो है टाइम लाइन इसको जो टाइम लाइन बोलते हैं तो टाइम लाइन के जो नीचे है वो दिखाएगा जो भी ऑडियो वही आपको मतलब यूज़ होगा मतलब वही काम करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया प्लस मतलब ये आप सीख लिए ऑडियो का कैसा है, ठीक है। तो अभी बात करते हैं जो टूल्स की मतलब ट्रांसफॉर्म टूल्स वगैरह, जैसे आप कोई भी यूट्यूब वीडियोस डालते हैं आपको फिर जूम करना पड़ता है फिर या फिर फुटेज को थोड़ा सा मतलब क्रॉप करना पड़ता है या कुछ भी करना है तो आपको एक टूल बता दो, जैसे कि आप ये जो फुटेज है पहले फुटेज सेलेक्ट कर दीजिए, यहाँ पे जाके आप क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्म क्रॉप फिर डिस्टॉर्ट का ऑप्शन है, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ से नहीं करना है तो यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं ट्रांसफॉर्म डिस्टॉर्ट फिर क्रॉप, ठीक है। तो आप अगर ट्रांसफॉर्म में क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे एक मतलब एरोस जो आएंगे यहाँ से पोर्शन आ जाएंगे, जैसे यहाँ से अगर मैं इसे जूम करूँगा तो देख सकते हैं ये मतलब एक पोर्शन से ये मतलब हट रहा मतलब जितना आपको चाहिए मतलब जैसे कि यहाँ से जूम चाहिए, ठीक है। तो इसका अगर आपको यहाँ से भी करना तो यहाँ पे मूव भी कर सकते हैं मतलब फुटेज को एक फ्रीडम हो जाता है मतलब कहाँ भी आपको फुटेज रखना है या फिर यहाँ से आप फिर कुछ गड़बड़ हो जाए तो आप यहाँ से क्लिक सिंपली रिसेट भी कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ के जो वैल्यूज़ है ये तो देख सकते हैं पोजीशन के जो वैल्यूज़ है वो जीरो पे आ जाएंगे मतलब रिसेट हो जाएंगे, ठीक है। तो वो आप कर सकते हैं और यहाँ फिर आपको अगर क्रॉप करना है तो यहाँ पे सिंपली क्रॉप पे क्लिक कर दीजिए और एक ये जो है मतलब ये जो एरोस आएंगे इसको आप पोर्शन लेके सॉरी यहाँ पे क्लिक हो गया यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है तो हाँ देख सकते हैं ये पोर्शन में थोड़ा सा सिलेक्ट होने में थोड़ा मतलब अच्छे से करना देख सकते हैं ये सिलेक्ट हो गया। तो अगर आपको इतना पोर्शन रखना है मतलब फुटेज को वीडियो को तो आप उतना भी क्रॉप कर सकते हैं, फिर होने के बाद आप सिंपली यहाँ पे डन क्लिक कीजिए तो वो क्या क्रॉप हो जाएगा, देख सकते हैं क्रॉप हो गया उतना पोर्शन क्या वो क्रॉप हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं या फिर अगर आपको डिस्टॉर्ट करना है डिस्टॉर्ट का भी देख लीजिए कैसा है, डिस्टॉर्ट को क्लिक करेंगे तो वो जो फुटेज आपका डिस्टॉर्ट में मतलब जैसे कि सपोज आपका फुटेज ऐसा है मतलब सॉरी मैं दिखा एक बार फिर से क्रॉप करके दिखाता हूँ, सपोज़ आप क्रॉप करेंगे, ठीक है। क्रॉप करने का आपका फुटेज अगर इतना है मतलब कम है मतलब ये जो पोर्शन कम है, ठीक है, तो इसको आप थोड़ा एक्सटेंड करना है तो आप डिस्टॉर्ट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे डिस्टॉर्ट चालू करेंगे तो ये क्या फुटेज को थोड़ा एक्सटेंड कर देता है मतलब जितना पॉसिबल होता है तो उतना एक्सटेंड कर देता है मतलब देख सकते हैं ये मतलब पूरा फिल हो जाता है तो आपके जो व्यूअर्स है उसमें फिल हो जाता है, ठीक है। तो ये अच्छा है मतलब काम में आता है काफ़ी, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं अपनी यूट्यूब वीडियोस या फिर कोई भी एडिटिंग के लिए, तो ये जो फीचर है आप काफ़ी अच्छा है, ठीक है। अभी बात करते हैं ये जो एनिमेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको सपोज़ ये जो स्टार्टिंग है मैं यहाँ पे स्टार्टिंग हूँगा, ठीक है, तो ये फुटेज स्टार्टिंग होगा अभी यहाँ से लेके आपको ये पोर्शन से लेके यहाँ से आपको एनिमेशन देना है, ठीक है। एनिमेशन तो ये देख लीजिए एनिमेशन कैसे काम करता है, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे एक पोजीशन में यहाँ पे एक प्लस पॉइंट दिखा ऐड की फ्रेम या फिर आप यहाँ से फुटेज क्लिक करेंगे फिर यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में रख देंगे फिर इसको डन कर दीजिए तो फिर यहाँ पे आपको क्लिक करके फिर से यहाँ पे क्लिक कीजिए ट्रांसफॉर्म, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐड की का एक ऑप्शन आता है यहाँ पे प्लस की तो ऐड वो की लगा जाता है मतलब सब जगह की लगा देंगे मतलब जो आपके ट्रांसफॉर्म के जो टूल्स है यहाँ पे आपको की लगा देंगे काफ़ी, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप सिर्फ यहाँ से लेके फिर यहाँ तक मेरे को जूम करना है फिर, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्केल के जो है आपने स्केल पे की लगा दिए थे, ठीक है,
स्केल पे पोजीशन पे भी की है जहाँ तक, ठीक है, पोजीशन पे की है। देख सकते हैं ये एक पाथ बना देता है, मतलब कहाँ से लेके कहाँ तक एनिमेशन आएगा। देख सकते हैं ये एनिमेशन बन गया, तो सिंपली डन प्रेस कर दीजिए, डन क्लिक कीजिए, देख सकते हैं। फिर यहाँ से लेके मैं वीडियो जब प्ले करूँगा, प्ले का तो आपको शॉर्टकट बताऊँगा जो स्पेस बार है, या फिर यहाँ पे यहाँ से भी डायरेक्ट प्ले कर सकते हैं। देख सकते हैं तो ये एक एनिमेशन बन गया, ठीक है। तो फिर इसका जो अगर आपको यहाँ से लेके यहाँ से फिर यहाँ से पोजीशन मूव करना, तो फिर यहाँ से फिर से और एक पोजीशन पे एक की लगा देंगे। फिर ये की लगाने के बाद फिर आप थोड़ा आगे जाने के बाद, तो अगर आपको इसका पोजीशन चेंज करना, फिर से यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और ये जो है पोजीशन सपोज इसको लेफ्ट में लेना है या फिर जहाँ पे आपको चाहिए, ठीक है। तो ये मैं लेफ्ट में देख सकते पाथ बना देता है, मतलब पहले नीचे आएगा, जूम होगा, फिर यहाँ से साइड जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, अभी देख सकते इसका जो मैं दिखा देता हूँ प्ले करके, देख सकते इसको प्ले करूँगा, देख सकते एक एनिमेशन बन गया, ठीक है। तो ऐसा ही इसका जो एनिमेशन है आप YouTube में अपना वर्क के लिए काम कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा, मतलब प्रॉपर कर सकते हैं। और इसमें की का जो एनिमेशन का जो फीचर्स है, मतलब काफ़ी मतलब फास्ट है, बाकी सॉफ्टवेयर से मेरे को तो फास्ट लगा काफ़ी, तो ये अच्छा आप कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, लाइक कर दीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब भी कर दीजिए मेरे चैनल को, इतना तो सीख लिया आपने। चलिए तो फिर दूसरा कुछ दूसरे चीज़ पे आते हैं, अभी बात करते हैं इसकी जो ओपेसिटी का। जैसे आपको अगर इसकी जो ओपेसिटी, जैसे सपोज़ आपको स्टार्टिंग में एकदम ओपेसिटी कम करके आना है, मतलब चलिए मैं पहले इसकी जो एनिमेशन की जो की लगाया था मैंने उसको रिसेट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो रिसेट हो जाएगा, रिसेट यहाँ पर आप रिसेट पर क्लिक करेंगे तो पूरा रिसेट हो जाएगा, ठीक है। या फिर अगर आपको सपोज़ मैंने एक आपको एक चीज़ नहीं बताया, सॉरी, जो पोजीशन का जो ये है, मतलब जैसे आप एनिमेशन जैसे लगाते हैं यहाँ पे, मतलब ये जो आप एनिमेशन कर रहे हैं, ठीक है, ये एनिमेशन हो गया, तो अगर आपको इसका मतलब स्पीड बढ़ाना या फिर कम करना, इसका देखना है कहाँ से कहाँ तक जाना है, की चेंज करना है, तो उसके लिए एक शॉर्टकट है कंट्रोल वी, या फिर यहाँ पे जाके ये देख सकते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है शो वीडियो एनिमेशन, क्लिक करेंगे यहाँ पे तो देख सकते हैं ये जो कीज है, दो की, ये दो कीज के अंदर जो एनिमेशन आपने किया था वो दिखाया था। जैसे आप आपका जो एनिमेशन ऐसा है, ठीक है, इतना स्लो जा रहा है, तो अगर आपको फास्ट स्पीड बढ़ाना है तो इस सिंपली इसको की को यहाँ पे क्लिक करके इसको आगे बढ़ाना है, मतलब डायरेक्ट, मतलब क्लिक करके रखना है उसको आगे बढ़ाना है लेफ्ट माउस क्लिक करके, ठीक है। तो ये क्या स्पीड बढ़ जाएगा, देख सकते हैं एनिमेशन का जो स्पीड है वो काफ़ी बढ़ गया, देख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छा है, मतलब आप यहाँ पे की पे भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काम होने के बाद फिर आपको क्लोज करना है इसको, सिंपली यहाँ पे क्लिक करके तो वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक है, मतलब काफ़ी अच्छा है, ये आप यूज़ कर सकते हैं एनिमेशन के टाइम, ठीक है। तो चलिए मैं इसको फिर रिसेट कर देता हूँ। तो अभी मैं क्या कहने वाला था, अभी देख सकते हैं, मैं बताता हूँ, ये जो फुटेज है, सपोज ये फुटेज इसे आप देख रहे हैं यहाँ से स्टार्टिंग में, तो आप अगर ओपेसिटी देना है, मतलब एकदम स्टार्टिंग में फुटेज नहीं है, तो यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है, वही सेम एनिमेशन जैसा ही, मतलब जैसे यहाँ पे पहले इसको मैं ज़ीरो कर दूंगा, ठीक है। ये जो ओपेसिटी, जैसे कि देख सकते हैं ओपेसिटी जितना कम आप करेंगे तो उतना बढ़ेगा, कम होगा, ठीक है। तो ओपेसिटी को मैं यहाँ पे की दे दूंगा एक, फिर इसको थोड़ा सा आगे लाने के बाद, मतलब जितने आपके फ्रेम चाहिए, जैसे 11 फ्रेम या फिर सपोज़ मैं 20 फ्रेम पे इसको मतलब फुल ओपेसिटी करूँगा, ठीक है। देख सकते 20 फ्रेम पे मैंने फुल ओपेसिटी कर दिया। ओपेसिटी करने के बाद आप देख सकते इसको प्ले करेंगे तो देख सकते वो धीमे धीमे से मतलब स्टार्ट होगा वीडियो, देख सकते। तो एक आप एनिमेशन दे सकते हैं ऐसे जैसे आपको चाहिए, तो ये आपके बहुत काम में आएगा, मतलब ओपेसिटी का जो आप फीचर यूज़ करना चाहते हैं, मतलब वीडियोस के एडिटिंग के लिए, ठीक है। तो ये एक अच्छा चीज़ है, आप कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इफेक्ट्स और ट्रांजिशन के, जैसे देख सकते हैं दोस्तों, अगर आपकी जो ये फुटेज है, मतलब ये जो वीडियो आपने इंपोर्ट किए थे, इसमें अगर आपको कुछ इफेक्ट्स वगैरह ऐड करना, जैसे कि आप जाएंगे इफेक्ट्स में, यहाँ पे आपको काफ़ी इफेक्ट्स मिल जाएंगे, देख सकते हैं इसको अगर आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो इसके ऊपर जो भी इफेक्ट्स है, मतलब प्रीसेट्स वो ऐड हो जाएंगे इसमें, देख सकते हैं 50s। यहाँ पे आप क्या सिंपली इसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं, अगर आपको पहले देखना है कैसा है क्या इफेक्ट्स, तो आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है और यहाँ पे एक बार क्लिक करके आप देख सकते हैं इसका जो इफेक्ट्स कैसे दिखे, ब्लैक एंड वाइट या फिर ये जो इफेक्ट्स वगैरह जो भी आपके यहाँ पे प्रीसेट्स बनते हैं, इफेक्ट्स वगैरह जो भी है वो आप ये ऐड करके देख सकते हैं या फिर ये देख सकते हैं। फिर इसको अगर पसंद आए तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं ऐसे सिंपली, या फिर डबल क्लिक भी कर सकते हैं, तो ये जो इफेक्ट्स है ऐड हो जाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे आप शो हाइड भी कर सकते हैं, तो जो एड्स मतलब इफेक्ट्स है, तो इसको अगर आपको नहीं चाहिए, पसंद नहीं है, तो आप यहाँ से क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो एक है, और अगर ऑडियो का भी मैं बात करूँ, तो ऑडियो के अगर आपको नॉइज़ वगैरह या फिर आपके जो वॉइस ओवर है उसके अगर ऑडियो में नॉइज़ वगैरह रिमूव करना है, तो या फिर वॉइस में जाके आपको काफ़ी इफेक्ट्स मिल जाएंगे, नॉइज़ वगैरह हटाना हो या फिर कुछ चेंजेस करना ऑडियो में, तो यहाँ पे आप सिम ले सकते हैं, वो वगैरह सब आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। तो काफ़ी ऑप्शन देख सकते हैं वगैरह, या फिर ऑल में क्लिक करेंगे तो सभी दिख जाएंगे आपको, जो भी ऑडियो के लिए इफेक्ट्स वगैरह दिया गया है यहाँ पे,
तो आपको मिल जाएगा। ठीक है ठीक है, तो ये एक हो गया। और अगर आपको सपोज़ मैं अगर यहाँ पे जो ये वीडियो है, जो फुटेज है, इसमें अगर मैं कुछ ट्रांजिशन देना चाहूँ, जैसे देख सकते सपोज़ यहाँ पे आके, चलिए यहाँ से यहाँ पे आपको कट करेंगे सब, मैं फिर से कमांड बी प्रेस करूँगा, ये कट हो गया। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे बीच के जो इन बिटवीन से यहाँ पे आपको एक ट्रांजिशन देना, तो ये रेक्टेंगल वाला लेता हूँ, इसमें काफ़ी समझ में आएगा, देख सकते हैं अभी। ठीक है, तो ये ट्रांजिशन ऐड हो गया। अगर आपको ये ट्रांजिशन अगर बड़ा कम या फिर साइज़ का जो एनिमेशन इसको कम करना है या फिर बढ़ाना है, तो इसको आप क्लिक करके ऐसे सिंपली वही सेम जो तरीका मैंने बताया था वैसे यूज़ करते हैं। इसको अगर ज़्यादा बढ़ाना है तो आप देख सकते काफ़ी स्लो में जाएगा वो, तो ये एक चीज़ है आप ट्रांजिशन का यूज़ कर सकते हैं। और फिर मैं बात करता हूँ ये जो फुटेज आपका, ठीक है, इसमें अगर मैंने काफ़ी इफेक्ट्स वगैरह ऐड किया, जैसे देख सकते ये जो मैंने मतलब काफ़ी इफेक्ट्स, जैसे कि कलर्स में जाऊँगा, जैसे इसमें मैंने काफ़ी कलर्स वगैरह, फिर ब्लैक एंड वाइट, चलिए काफ़ी मैंने कलर्स ऐड किए। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं ये जो मैंने कट किया ना, तो ये जो इफेक्ट मैं जो अप्लाई करूँगा इसमें रहेगा, इसके तो अंदर तो नहीं आएगा, देख सकते इसमें जो ओरिजिनल है वो आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं ये जो इसके में जो इसमें जो भी मैंने इफेक्ट्स यूज़ किया है उसको अगर आप कोई इसमें भी सेम अप्लाई करना, तो जो भी जहाँ पे कट्स किए या फिर जहाँ पे अप्लाई करना है, तो आप क्या करना, सिंपली यहाँ पे ये जो फुटेज इसको क्लिक करके यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इफेक्ट्स है, इसको सिंपली कुछ नहीं करना है यहाँ से, बस यहाँ पे क्लिक करके कमांड सी कॉपी करना है, सिंपली जो कॉपी आता है नॉर्मल कॉपी वो कॉपी करना है। ठीक है, तो कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाना है, फिर ये जो दूसरा फुटेज है इसमें अगर पेस्ट करना है तो इसका शॉर्टकट है शिफ्ट कमांड शिफ्ट वी, देख सकते ये पेस्ट एट्रीब्यूट्स करके एक ऑप्शन आ जाएगा, या फिर आप यहाँ पे भी जाके एक पेस्ट एट्रीब्यूट्स का ऑप्शन मिलता है, देख सकते शॉर्टकट बाजू में लिखा जाता है। ठीक है, तो अगर इसमें से आप कुछ भी अपना सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको सिर्फ एक ही इफेक्ट्स चाहिए तो एक ले सकते हैं, या फिर पूरे सारे इफेक्ट्स चाहिए तो कुछ क्लिक नहीं करना है, बस देख सकते कॉपीड फ्रॉम ये वाले फुटेज से पेस्ट टू ये वाले जो कट्स किए थे उसमें आ जाएंगे, तो सिंपली पेस्ट क्लिक कीजिए और ये देख सकते इसके जो इफेक्ट्स है वो उसमें भी आ गया। ठीक है, तो ये अच्छा है, मतलब काफ़ी यूज़ होता है, मतलब काफ़ी टाइम बचाता है, जैसे कि अगर आपने इसमें काफ़ी फिर सेम सब में चाहिए था तो काफ़ी मतलब टाइम बचाता है। फिर आप मैं क्या करता हूँ इसमें कॉपी करके फिर यहाँ पे काफ़ी कट जो भी कट से मैं यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्ट कॉल कर देता हूँ, तो जितने जहाँ पे पेस्ट करना है फिर वही शॉर्टकट जो मैं रहता था वही यूज़ करना है, बस सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं, ईजी है, तो आप ईजिली उससे कर सकते हैं अपना काम, मतलब जल्दी बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं टेक्स्ट के बारे में, टेक्स्ट के। ठीक है, तो जैसे कि अगर आपको यहाँ पे एक टेक्स्ट लाना है, जैसे कि स्टार्टिंग में कुछ यहाँ पे नाम वगैरह या फिर आपके चैनल का नाम या कुछ भी दिखाना है आपको स्टार्टिंग में, ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे इसका एक शॉर्टकट है कंट्रोल टी शॉर्टकट बेसिक टाइटल के लिए, या फिर अगर आपको कुछ एनिमेटेड वाले या फिर कुछ अच्छा अलग चाहिए तो यहाँ पे आप टाइटल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी टाइटल्स मिल जाएंगे, देख सकते हैं इसको क्लिक करके वो प्रीव्यू भी देख सकते हैं आप, जैसे मैंने बताया था यहाँ पे स्लिम पे एक सिंगल क्लिक करना है, यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिखाएंगे मतलब कैसा है ये 3D रोटेट वाले, या फिर चलिए फिलहाल तो मैं बेसिक वाला दिखा देता हूँ आपको, देख सकते ये जो बेसिक वाला टाइटल है इसको ऐड कर दिया, मतलब ऐड हो गया, तो ये ठीक है। तो इसको अगर ये जो आपको जो बेसिक टाइटल इसको अगर आपको स्टार्टिंग में लाना है तो आप कहीं पर भी आप ड्रैगन मतलब इसका पोजिशन मूव कर सकते हैं लेयर को, ठीक है, तो यह मैं पोजीशन ये स्टार्टिंग में रखता हूँ, ठीक है, देख सकते हैं, या फिर थोड़ा बीच में लाता हूँ और कट के थोड़ा सा, ठीक है, देख सकते हैं अब ये टाइटल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप फिर यहाँ पे डबल क्लिक करके भी आप नाम दे सकते हैं, या फिर जैसे डबल क्लिक करके डबल क्लिक कीजिए और यहाँ पे अपना जो भी टाइटल देना है, जैसे सपोज मैं अपना नाम लिख लेता हूँ, या फिर यहाँ से भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पर आपको सिंपल क्लिक करना है, देख सकते ये ऐड हो गया, यहाँ पर ऐड हो गया। फिर अगर आपको ये जो टेक्स्ट है इसका अगर कलर वगैरह चेंज करना है तो यहाँ पे आप फिर यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन फॉन्ट्स वगैरह जो माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्ट में आते हैं जो, ठीक है, तो कलर चेंज करना है तो आपको ये जो फेस है फेस के यहाँ पे क्लिक करना शो, इसके जो एट्रीब्यूट्स है वो ओपन हो जाएंगे, देख सकते हैं यहाँ पे आपको कलर का एक ऑप्शन मिल जाएगा, तो इसमें आप कोई भी कलर ले सकते हैं, जैसे कि ग्रीन ले लेता हूँ, ठीक है, या फिर यहाँ पे भी आप मतलब काफ़ी ऑप्शन है कलर्स के यूज़ जो भी चाहिए, तो ठीक है मैंने ग्रीन ले लिया, देख सकते अगर ये जो सेम टेक्स्ट है अगर इसको अगर आपको 3D में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे आपको सिंपली 3D टेक्स्ट में क्लिक करना है, तो देख सकते हैं वो जो अपन का जो टेक्स्ट है वो 3D में हो गया, फिलहाल तो ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इसको अगर आपको एकदम प्रॉपर देखना है उसको एक चीज़ से मैं बता देता हूँ, तो ये जो आप देख सकते हैं जैसे कि आपको एक चीज़ तो नोटिस किए होंगे आप लोगों ने कि ये जो विंडोज़ है मतलब आपका जो ये है व्यूअर ये तो एक ही पोजिशन है, अगर आपको जूम करना है मतलब स्क्रॉल से तो नहीं होगा उसका, ये है यहाँ पे आपको दिख जाएगा फिट मतलब पूरा जो फिट रहेगा जो आपके व्यूअर्स है उसके अंदर ही दिखाएगा, अगर आपको जूम करना है जैसे कि आप में सपोज 150 ले लेता हूँ, देख सकते हैं जूम हो गया, फिर आपका एक इसमें एक शॉर्टकट है एच करके आप प्रेस करेंगे, एच में मतलब हैंड टूल आ जाएंगे, या फिर यहाँ से आप डायरेक्ट हैंड टूल ले सकते हैं, हैंड टूल
हैंड टूल लेने के बाद आप यहाँ से मतलब जूम मतलब मूव कर सकते हैं जहाँ पे आप ऐसे, ये चीज़ आप ध्यान रखिए, इससे आपका टाइटल मतलब जो पोजीशन है वो एनिमेट या फिर कुछ भी नहीं हो रहा, बस आप देख रहे हैं मतलब वो पोजीशन वो सेम ही रहेगा, कुछ एनिमेशन नहीं हो रहा, बस आप देखने के लिए यूज़ कर रहे हैं। या फिर यहाँ पे भी आप कर सकते हैं मतलब मूवमेंट जहाँ से आप चाहिए, ठीक है। तो ये टेक्स्ट ऐड हो गया, इसको अगर आपको देखना है या फिर 3D हुआ या नहीं वो कुछ भी देखना है आपको, तो कर सकते हैं ये जो हैंड टूल से। फिर काम होने के बाद आप यहाँ पे सिंपली यहाँ पे फिट पे क्लिक करेंगे तो वो नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा जहाँ तक का विंडोज फिट होता है, मतलब व्यूअर में आपका फिट हो गया। फिर मैं वी प्रेस करूँगा, सॉरी यहाँ पे मैं जाके ए प्रेस करूँगा, सॉरी इसका ए है। और हाँ, इसका जो वी मैं अभी जो दिखाता था आपने नोटिस किया होंगे ये हाइड हो गया। तो अगर आपको सपोज ये जो है मतलब बेसिक टाइल या फिर कुछ भी आपको हाइड करना है, सपोज ये मेरे को ये फुटेज हाइड करना है, ठीक है, तो आप वी प्रेस करेंगे तो वो क्या डिसेबल हो जाएगा, देख सकते हैं, तो डिसेबल हो जाएगा। अगर कोई कुछ भी डिसेबल करना है, जैसे कि सपोज आपको ये टेक्स्ट अभी नहीं चाहिए या फिर बाद में लगेगा तो फिर डिलीट नहीं करना है, तो आप क्या करेंगे, सिंपली वी प्रेस करेंगे तो आपके यहाँ से हाइड हो जाएंगे, ठीक है, और ऑन करेंगे तो ऑन हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा है तो ये आप काफ़ी अच्छा मतलब कर सकते हैं, या मतलब डिसेबल काफ़ी काम में आता है, मतलब कुछ भी चीज़ आपको हाइड करना है, बस डिलीट नहीं करना है, बाद में लग सकता है, तो उसके लिए आप वी प्रेस वी का जो ऑप्शन है डिसेबल का वो यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा काम में आएगा, ठीक है। तो वही है सेम, और आप ये जो टेक्स्ट है अभी जो किया टेक्स्ट में भी आप सेम वो एनिमेशन दे सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया था, वो यहाँ से आपको सिंपली यहाँ पे जाना, ठीक है, यहाँ पे आपको पोजीशन या ट्रांसफॉर्म्स के जो एनिमेशन यहाँ पे की लगा के आप यहाँ से आपका जो एनिमेशन देना दे सकते हैं, ठीक है। तो सेम ही प्रोसेस है, कुछ अलग नहीं इसमें भी। तो अब बात करते हैं ग्रीन स्क्रीन की। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी जो यूज़र होते हैं उनको जो ये बैकग्राउंड है मतलब जो ग्रीन स्क्रीन में जो शूट करते हैं उनको रिमूव करना पड़ता है, जैसे देख सकते हैं मैंने ये 2-3 साल पहले मैंने शूट किया था, शायद बहुत पुराना फुटेज है मतलब, तो ये फुटेज मतलब जैसे देख सकते ग्रीन स्क्रीन आप लगा के अगर आपको बैकग्राउंड रिमूव करना है मतलब यूट्यूब वीडियोस या फिर जो भी आपके प्रोजेक्ट्स के लिए, तो ये आप फाइनल कट प्रो में काफ़ी इजीली मतलब जल्दी कर सकते हैं तुरंत। चलिए मैं चलिए इंपोर्ट कर लेता हूँ, यहाँ से मैं जाऊँगा फिर से क्लिक करूँगा इंपोर्ट पे, और ये जो फुटेज है ग्रीन स्क्रीन का देख सकते हैं, इसको क्लिक करूँगा और ये अपना फुटेज हो गया, इसको मैं ऐड करूँगा यहाँ पे, फिलहाल मैं दिखा रहा हूँ मतलब। चलिए अगर आपको लगता है कि अगर आप कुछ देख सकते हैं ये जो मैंने टेक्स्ट जो फुटेज मैंने ऐड किया है इसके ऊपर जो टेक्स्ट थे वो नहीं दिख रहा, तो ये आप समझ जा सकते हैं जो जो टॉप में रहेगा उसके ऊपर ही दिखेंगे, मतलब वो यहाँ व्यूअर में दिखेगा मतलब मेन फुटेज में दिखेगा, मतलब बाद में जो रेंडर होकर निकलेगा। तो इसको अगर आपको ऊपर लेना है तो टेक्स्ट को आप सिंपली ऊपर क्लिक करके होल्ड करके लेंगे तो वो आपका फुटेज ऊपर दिख जाएगा, ठीक है, मतलब जो टेक्स्ट है ये फुटेज भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको ऐड किया, ठीक है, ग्रीन स्क्रीन देख सकते हैं, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो देख सकते हैं यहाँ पे ये जो टेक्स्ट को फिलहाल मैं डिसेबल कर दूंगा वी प्रेस करके, इसको क्लिक करूँगा और यहाँ पे आपको इफेक्ट्स में जाना है, यहाँ पे कीइंग करके एक ऑप्शन है कीइंग, तो यहाँ पे कीयर पे आपको क्लिक करना है, देख सकते हैं यहाँ पे अगर आप प्रीव्यू में देखें तो वो बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है, ठीक है, अल्फा मतलब अल्फा आ गया मतलब बैकग्राउंड ब्लैक थी वही, तो इसको मैं सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा तो ये ग्रीन स्क्रीन होगा, तो इसको इस पर ये जो बैकग्राउंड के साथ काफ़ी कन्फ्यूज़ हो रहा है तो इसको भी मैं डिसेबल कर दूंगा फिलहाल, या फिर डिलीट ही कर दूंगा, इसको फिलहाल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देख सकते ये आपका ये एक हो गया, ये पोर्शन बन गया, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें काफ़ी चेंजेस करना पड़ता है, मतलब ये जो है ये आपको यहाँ पे आके सिंपली यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, पहले फुटेज पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप जो कीयर्स का जो है ऑप्शन मतलब हाइड या फिर शो करके देख सकते हैं ये जो कीयर्स के जो मतलब सेटिंग्स वगैरह या फिर कुछ भी आपको चेंजेस करने इसके प्रॉपर्टीज में, तो आप कर सकते हैं, देख सकते हैं इसमें काफ़ी मतलब चेंजेस करना है, फिर भी देख सकते हैं मतलब जो नॉइस वगैरह ऐड आ रहा है, तो यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, मैट टूल्स में जाके यहाँ पे इसका जो लेवल है वाइट लेवल, इसको वाइट लेवल मतलब विजुअल जो दिखेगा ये जो है वाइट लेवल, ब्लैक लेवल मतलब जो नॉइस आ रहा है उसको, तो अब बढ़ाएंगे तो देख सकते हैं ये बढ़ा रहा हूँ मैं, तो जो बैकग्राउंड्स की जो है वो रिमूव हो रहा है, या फिर ब्लैक बढ़ा भी सकते थोड़ा जैसे आपको चेंजेस करना है, तो इसमें तो काफ़ी कम समझ में आ रहा, तो अगर मैं क्या करता हूँ सिंपली एक बैकग्राउंड ले लेता हूँ कोई भी एक बैकग्राउंड, मेरे पास एक है बैकग्राउंड देख सकते हैं ये जो है ग्राफाइट का, तो इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ अपने मीडिया में यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैं सिंगल फ्रेम का जो इमेज है इसको मैं ऐड कर दूंगा यहाँ पे, इसको मैं सिंपली यहाँ पे ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो ये तो छोटा है, इसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं कभी जितना भी आप चाहिए, अनलिमिटेड मतलब ऐसा है कितना भी कर सकते हैं, ये इमेज ही है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसा रख दूंगा, ठीक है, देख सकते हैं अभी ये काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड आ गया। अभी अगर आपको देख सकते हैं ये जो है ये ग्रीन स्क्रीन का, इसमें तो इस साइड तो कुछ भी नहीं मतलब इस साइड तो ये है मतलब नॉर्मल बैकग्राउंड है, तो इसको अगर आपको रिमूव करना ही है तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे जाके क्रॉप पे क्लिक करना है, ये फुटेज सेलेक्ट करना है पहले, ठीक है। तो यहाँ पे आप इतना इसका जो पोर्शन है आप क्रॉप कर सकते हैं मतलब जितना चाहिए, ठीक है, देख सकते वो रिमूव हो गया, डन करके देख सकते कितना इजीली हमने 2 मिनट के अंदर ही मतलब देख सकते कितना ईजिली अपने ग्रीन स्क्रीन को मतलब रिमूव कर दिया बैकग्राउंड को,
और इसका जो ग्रीन स्क्रीन है, जैसे इसको अगर आपको एनिमेशन देना है वो भी दे सकते हैं, या फिर फिलहाल सिंगल फ्रेम इसको स्केल ही करना है, बस नॉर्मल स्केल करना है, तो आप जितना स्केल करना चाहते हैं उतना भी कर सकते हैं। फिर इसकी जो पोजीशन है यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके आप कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये सेंटर में आ गया, देख सकते हैं। तो ये ग्रीन स्क्रीन रिमूव करना इस फाइनल कट प्रो में काफ़ी इजी है, बस आपके जो ग्रीन स्क्रीन के जो शूट हैं वो काफ़ी अच्छा प्रॉपर रहना चाहिए, तो जल्दी ही मतलब अच्छे से रिमूव होता है, देख सकते हैं। काफ़ी इजीली मतलब ग्रीन स्क्रीन हमने रिमूव कर लिया फाइनल कट प्रो में, देख सकते हैं। फिर इसमें कुछ भी आप टेक्स्ट वगैरह, जो टेक्स्ट मैंने ऐड किया था इसको भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टेक्स्ट वगैरह या फिर जो कुछ भी चाहिए आपको एनिमेशन करना है तो वो भी कर सकते हैं, मैंने जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था कैसे एनिमेशन करते हैं, ठीक है। तो आप कर सकते हैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में, यहाँ पे की लगा है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा है, अगर स्क्रीन के जो फुटेज शूट करते हैं आप उसमें काम में मतलब काफ़ी काम में आएगा, ठीक है। तो दोस्तों अब बात करते हैं फाइनल कलर करेक्शन और रेंडरिंग कैसे करते हैं, मतलब आपका जो फाइनल होने के बाद, देख सकते हैं मेरा जो है फाइनल होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा, मतलब काफ़ी बड़ा हो जाता है, मतलब जो टाइमलाइन से काफ़ी अच्छा, मतलब कट्स वगैरह सब मिला के काफ़ी बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो ये फिर सपोज़ ये आपका फुटेज मतलब सब रेडी है, अगर आपको कुछ कलर करेक्शन करना है तो यहाँ पर आप जो फुटेज है इसमें जाएंगे, पहले मैं जो इसको मैंने इफेक्ट्स ऐड किया था उसको मैं रिमूव कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा जो भी है, तो ठीक है। डिलीट होने के यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप कलर्स में जाके यहाँ पे कुछ चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि कुछ कलर करेक्शन कुछ चेंजेस करना है, या फिर यहाँ अगर कुछ जैसे आपको चाहिए तो कुछ शेडोज वगैरह या फिर मिड टोन्स वगैरह कुछ भी आपको चेंजेस करना है यहाँ से आप कर सकते हैं इजीली। फिर सैचुरेशन की बात करें तो सैचुरेशन से भी आप चेंजेस कर सकते हैं जैसे आपको चाहिए। फिर यहाँ पे कलर्स में जाएंगे, फिर यहाँ पे कुछ कलर्स भी देना है वो दे सकते हैं, या फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको दूसरे भी ऑप्शन मिल जाएंगे, व्हील्स या फिर जो कर्व्स वगैरह इसमें काफ़ी अच्छे ऑप्शन हैं, मतलब जैसे टिंट वगैरह टेम्परेचर वगैरह जैसे ही आपको कुछ चेंजेस करना है कर सकते हैं। कर्व्स का भी ऑप्शन दिया गया है, देख सकते हैं कर्व्स के जो आते हैं, मतलब बाकी सॉफ्टवेयर जैसे आते हैं कर्व्स वगैरह वो भी दे सकते हैं। फिर ह्यू सैचुरेशन का वो भी आते हैं इसमें, तो आप जैसे ही आपको कुछ चेंजेस करना तो आप कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ठीक है, ये सब होने के बाद सभी कुछ सब कुछ होने के बाद आप क्या कर सकते हैं रेंडर के बारे में, ठीक है। अभी मैं रेंडर का बताता हूँ, जैसे देख सकते हैं ये फुटेज आपका तो पूरा रेडी हो गया, बस आपको क्या है अभी रेंडर करना है, सब आपका फुटेज रेडी हो गया सब, ठीक है। तो अभी क्या है आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, ये जो दिखा रहा है शेयर का जो आइकॉन है क्लिक करना है यहाँ पे, देख सकते हैं इसमें काफ़ी ऑप्शन है, DVD मास्टर वाइज वगैरह, या फिर आप अपने फेसबुक के जो लॉगिन करके आप फेसबुक में भी डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब अकाउंट में भी डाल सकते हैं Vimeo पे, या फिर यहाँ पे आप अपना ये मतलब एक रॉ फाइल मतलब नॉर्मल फुटेज वीडियो फाइल बनाना है तो आप मास्टर फाइल पे क्लिक कर दीजिए। मैंने अपना खुद का प्रेसेट एक्सपोर्ट फाइल बना लिया, मतलब प्रेसेट से बना आप भी बना सकते हैं यहाँ पे ऐड डेस्टिनेशन क्लिक करके। तो फिलहाल मास्टर फाइल पे मैं दिखा देता हूँ कैसे करते हैं, मास्टर फाइल पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं आपको फुटेज रेडी है, यहाँ पे आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं, थोड़ा प्रीव्यू दिखा देता है, देख सकते हैं प्रीव्यू दिखा रहा है, आगे तो कुछ नहीं है इसलिए ब्लैक दिखा रहा है, मतलब मैं बताता हूँ जैसे आप देख सकते हैं इसके आगे जो ब्लैंक आ रहा है मतलब कुछ नहीं है लेकिन ऑडियो चालू है, तो उसका रीज़न बताता हूँ ये है आपका, देख सकते हैं ये जो ऑडियो है काफ़ी लंबा जा रहा है, देख सकते हैं आप स्क्रॉल करके देखेंगे मतलब साइड में देखिए इसको, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो काफ़ी लंबा है मतलब फुल ऑडियो है पूरा, तो उसको अगर आपको नहीं चाहिए तो इतने पोर्शन तक चाहिए तो आप क्या वही सेम जो मैं बताया था कमांड भी क्लिक करिए और इसको क्या ये जो है ना जो फाइनल वीडियो फिर रेडी हो गया, देख सकते हैं इसका जो ड्यूरेशन है आप देख सकते हैं टोटल ड्यूरेशन है 10.14 सेकंड का ड्यूरेशन हो गया, ठीक है। देख सकते हैं अगर ये भी नहीं चाहिए तो ये भी पोर्शन मैं डिलीट कर दूंगा कि ये तक आ रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे एक दूसरा विंडो दिखा देते हैं मतलब कहाँ तक वो वीडियो आपको देखेंगे फुटेज, ठीक है। इतना आ गया, सब रेडी हो गया, अभी करते हैं रेंडर, ठीक है। तो वही पे मैं सिंपली शेयर पे क्लिक करूँगा, मास्टर फाइल पे क्लिक करूँगा और देख सकते अभी पूरा आ गया, तब जो इतना लेंथ है उसका देख सकते इसमें काफ़ी पूरे सेटिंग्स दिखा देंगे कि कैसा रेजोल्यूशन, फिर जो भी है आपके जो ये है ऑडियो उसकी जो सेटिंग्स वगैरह सेकंड्स सब दिखा देंगे MOV फाइल। तो आप अगर आपको MP4 में सेलेक्ट करना मतलब जो भी आपको फॉर्मेट चेंज करना है तो यहाँ पे जाइए सेटिंग्स में, फिर वेब होस्टिंग में जाके कंप्यूटर में क्लिक करिए, मैं यही प्रीफर करता हूँ मतलब मतलब पब्लिश के लिए, या फिर मैं MOV भी यूज़ करता हूँ यूट्यूब के लिए। तो फिलहाल आप कंप्यूटर में जाएंगे MP4 फाइल चाहिए तो या फिर मैं बेटर क्वालिटी चाहिए तो बेटर, या फिर फास्टर अगर जल्दी रेंडर करना है तो कर सकते हैं, क्वालिटी ज़्यादा फ़र्क नहीं होना है तो फिर भी मैं बेटर क्वालिटी ले लेता हूँ। तो रेजोल्यूशन भी आप चेंज कर सकते हैं, अगर फुल HD चाहिए या फिर 720 चाहिए, सॉरी फुल HD भी रहता हो, सब ओके है। अभी आपको क्या करना है ओपन भी इसको मैं डू नथिंग कर दूँगा, फिर रेंदी जाओ ये रेंदी से मतलब रेंडर होने का डायरेक्ट क्विक टाइम में वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। सब रेडी हो गया, अभी सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है और अभी इसका मतलब लोकेशन बता रहा है कहाँ पे इसको पेस्ट मतलब कहाँ रखना है, तो फिलहाल मैं मूवीज़ या फिर डाउनलोड में रख देता हूँ, ठीक है। डेमो हो गया सिलेक्ट, मतलब नेम आप कुछ भी रीनेम देना चाहते हैं, डेमो HDMO VFX करके मैं ऐड कर दूँगा। सिंपली यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दीजिए और ये देख सकते हैं यहाँ पर रेंडर देखना है कहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिए बैकग्राउंड टास्क करके, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं शेयरिंग का जो बढ़ रहा 32% ये मतलब बढ़ते जाएंगे, अभी 71 हो गया, 80% हो गया, अभी ये रेंडर हो गया, देख सकते हैं। अब ये आपका यहाँ पे दिखा देंगे शेयर सक्सेसफुल, क्लोज कर दीजिए और ये आपका रेंडर रेडी है, ठीक है।
ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो और ये जो ट्यूटोरियल देख के आप मैं मतलब फाइनल कट प्रो को काफ़ी अच्छे से सीख लिया होगा, मतलब अभी आप अपने खुद की वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं इजीली सॉफ्टवेयर से। तो आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, अगर सीखने को अच्छा मिला तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, अगर पसंद नहीं आए तो डिसलाइक कर दीजिए। और कोई भी क्वेरीज या फिर कुछ भी डाउट हो आपको तो बस सिंपली मेरे को जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट बॉक्स में क्लिक कीजिए, मतलब कमेंट छोड़ दीजिए अपना, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई दे दूँगा। बस अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए मेरे चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑलराइट, सो पीस आउट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो SDMOVFX को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और VFX से रिलेटेड आपको वीडियोस मिलते रहे आने वाले दिनों में। ऑलराइट, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट।